स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड पार्ट है रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स का, एक रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज डाई इथाइल मैलोनेट, उसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाई इथाइल मैलोनेट क्या है। CH2 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 COOC2H5, ये डाइथाइल मैनोलेट है, हमें इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़नी है। अगेन ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O इनसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, यानी यहाँ से हम एक H या ये दोनों H को आसानी से हम निकाल सकते हैं H प्लस के फॉर्म में, यानी ये वापस हो, हम कह सकते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, ये अम्लीय होते हैं स्वभाव से, तो इस कारण इसकी जो यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एसिटिक एसिड। एल्काइल एसिटिक एसिड बनाना है तो हमने बेस ली, इस पोजीशन से बेस ने क्या किया, एच प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उसका अधिकरण कर लिया, और यहाँ पे ये बन गया हमारा कार्बेनाइन। कार्बेनाइन यहाँ पे हमने इसकी आर एक्स से रिएक्शन कराई, NaBr। भाई अगर यहाँ हमने Br लिया है तो BrCl लिया है तो यहाँ Cl हो जाएगा, तो NaBr का निष्कासन हो गया यहाँ से और ये R यहाँ पे जुड़ गया। फिर हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड बनता है, तो यहाँ पे ये दोनों जो एस्टर थे ये किसमें चेंज हो गए, एसिड के। और लास्ट स्टेप हमने क्या कर दिया, डी कार्बोक्सीलेशन का CO2 निकाल दिया। इसी यूनिट के अंदर बेटा हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी पढ़ा है और डी कार्बोक्सीलेशन भी पढ़ा है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और यहाँ से यहाँ डी कार्बोक्सीलेशन हो रहा है, CO2 निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये हमारा एल्काइल एसिटिक एसिड बन गया। अब जो R हमें यहाँ चाहिए, अगर मुझे यहाँ CH3 चाहिए तो मैं यहाँ पे CH3 लूँगी, यहाँ पे ये R मुझे C2H5 चाहिए तो मैं यहाँ पे C2H5 लूँगी, और जो भी मुझे बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रतिस्थापी R को चूज़ करूँगी। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सिंथेसिस ऑफ डाई एल्काइल एसिटिक एसिड। डाई एल्काइल यानी दो एल्काइल समूह हमें चाहिए, यानी यहाँ पे भी देखो दो एसिडिक प्रोटोन है तो ठीक है, रिएक्शन हम दो बार करेंगे। फर्स्ट है देखो, बेस लिया CH3Br लिया हमने यहाँ पे, ये देखो CH3 का यहाँ देख सकते हैं आप, CH3 सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले दो स्टेप्स हैं इनको हम वापस रिपीट करेंगे। एक फर्स्ट में बेस ने, ये देखो ये एसिडिक प्रोटोन हटेगा, कार्बेनाइन बनेगा, और उसके बाद हम वापस इसकी एल्काइल हैलाइड से कराएंगे। अब मुझे यहाँ दोनों पोजीशंस पे CH3 चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी CH3Br लिया, यहाँ पे भी CH3Br, पर अगर मुझे यहाँ पे CH3 चाहिए और सेकंड पोजीशन पे मुझे यहाँ पे इथाइल ग्रुप चाहिए तो यहाँ पे मैं मिथाइल ब्रोमाइड की जगह यहाँ पे मैं इथाइल ब्रोमाइड लूँगी। मुझे यहाँ प्रोपाइल ग्रुप चाहिए तो मैं यहाँ प्रोपाइल लूँगी। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारा बन गया डाइएस्टर। अब अगेन हम ये जो एस्टर है ना, तो ये जो एस्टर है इसका हाइड्रोलिसिस किया, फिर डीकार्बोक्सीलेशन किया, तो हमें मिल गया 2-methylpropionic acid। एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर 2-methylpropionic acid स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइइथाइल मैलोनेट। ये नेक्स्ट है सक्सिनिक एसिड बनाना है। सक्सिनिक एसिड बनाना है तो ये हमने देखो, इस बार मैंने इसको थोड़ा अलग फॉर्म में से लिखा है, दोनों को COOC2H5 होल ट्वाइस कर दिया। यहाँ बेस लिया हमने, कार्बेनाइन बनाया, यहाँ पे हमने क्लोरोएस्टर लिया और यहाँ से हमने NaCl का निष्कासन किया, NaCl इज रिमूव, तो ये पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप CH2COOC2H5 यहाँ पे आके जुड़ गया। फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस से एस्टर तो थे वो एसिड में बदल गए, और फिर हमने इसका डीकार्बोक्सीलेशन किया तो हमें हमारा जो डिज़ायर्ड एसिड था सक्सिनिक एसिड मिल गया। अब अपन चाहते हैं कि हायर डाई एसिड्स बनाएं, उच्च डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं इसके, और साथ में हमने क्या लिया, CH2I लिंकेज ले लिया, तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये CH2I से जुड़ जाएंगे। यहाँ से भी देखो NaI निकल गया, यहाँ से भी NaI निकल गया, तो इट विल बी CH2CH2CH, अगेन कंप्लीट लिंकेज, अगेन कंप्लीट -2 NaI के निकलने से ये बनेगा। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जलीय अपघटन करेंगे, डीकार्बोक्सीलेशन करेंगे, तो हमें हमारे डिजायर्ड एडिपिक एसिड मिल जाएगा।
जो नेक्स्ट है इसके सिंथेसिस, हमें कीटो एसिड्स बनाने। तो भाई कीटो एसिड्स क्या हुआ, ऐसे एसिड देख लो इसमें, ये देखो ये एसिड ग्रुप भी है और ये कीटो ग्रुप भी है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, कीटो एसिड कहूँगी। और स्पेसिफिकली CH3C डबल बॉन्ड O CH2CO को एसिटो एसिटिक कहेंगे हम एसिड। ये डाईथाइल मैलोनेट है बेस से। फर्स्ट स्टेप अगर आप इथाइल एसिटो एसिटेट देखें या डाईथाइल देखें, फर्स्ट स्टेप है बेस से एसिडिक प्रोटोन का रिमूवल, ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमें डिजायर्ड कंपाउंड बनाना है उसी से उसके अकॉर्डिंगली हम अपना रिएजेंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपन ने क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड लिया, CH3C डबल बॉन्ड O Cl हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये NaCl चला गया यहाँ पे, तो इट विल बी द CH3C डबल बॉन्ड O Ch एंड अ कंप्लीट ग्रुप। इसका हाइड्रोलिसिस डीकार्बोक्सीलेशन किया तो हमें एसिटो एसिटिक एसिड मिल गया। द नेक्स्ट इज अगर हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाने हैं, तो हमने इसकी कीटोन के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, पिरिडिन। पिरिडिन इज यहाँ पे बेस के रूप में, पिरिडिन इज फंक्शनिंग एज अ बेस। तो यहाँ पे हमारा ये इस ग्रुप का अगेन हम हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो कुछ स्टेप्स बेटा हमें कॉमन है जो हमें याद रखने हैं, कुछ स्टेप्स जो हमारे कॉमन हमें याद रखने हैं वो ये हैं कि भाई बेस से हम एसिडिक प्रोटोन का रिमूवल करते हैं, उसके बाद जो डिजायर्ड कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कंडेंस करते हैं, फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। ज़्यादा से प्रिपरेशंस में हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, क्रोटोनिक एसिड बन जाएगा। नाउ अगर हमें इससे अल्फा अमीनो एसिड्स बनाने हैं, तो अमीनो एसिड्स बनाने हैं तो फर्स्ट स्टेप मैंने यही कहा, कॉमन है बेस के साथ हमने कार्बेनाइन बना दिया, फिर हमने मिथाइल आयोडाइड लिया और यहाँ पे उसको इट हैज़ बीन अटैच एट दैट पोजीशन मिथाइल आयोडाइड। फिर हमने इसकी Br2 से रिएक्शन कराई सो दैट ये H की जगह हम Br लेके आ गए, फिर हमने इस ग्रुप का हाइड्रोलिसिस किया, डीकार्बोक्सिलेशन किया और लास्ट में हमने इस Br को NH3 से रिमूव कर दिया, तो हमारा ये बन गया ग्लाइसिन अमीनो एसिड। Now, next and the last is synthesis of barbituric acid. ये कई बार exams में बेटा पूछा गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी reaction हमने किसके साथ कराई, यूरिया के साथ कराई है हमने, और दो molecule of C2H5OH that is ethanol हमने यहाँ से निकाल दिए हैं, तो ये दोनों कंडेंस करके हमें हमारा desired product barbituric एसिड बना देंगे बेटा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए, जो एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा, हाउ विल यू सिंथेसाइज फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम, निम्न यौगिक का संश्लेषण आप कैसे करेंगे, जो भी कंपाउंड्स हैं वो बता देंगे कि डाईथाइल मैनोनेट से करें या इथाइल एसिटो एसिड से इससे करें। तो कुछ स्टेप्स कॉमन है जो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ बेटा, कि जैसे जो यहाँ पे दोनों ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2 H5, हमें ये और ये एसिडिक जो हमारे प्रोटोन है बेस की मदद से इनका निष्कासन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी डिजायर्ड हमारे कंपाउंड बनाने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ग्रुप्स ऐड करने हैं, फिर हमें हाइड्रोलिसिस डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरे मेथड्स कर यूज़ करने हैं टू हैव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।